तो किसने बोला मत छीनो हमारा रोजगार, कुछ तो करो धामी की सरकार। जी हां, धामी सरकार से यह गुहार कौन लगा रहा है, कौन सड़कों पर उतरा और किसने अपनी नाराजगी का इजहार किया? मसला राजनीतिक नहीं है, मसला मानवीय नजरिए से सोचने लायक है। मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारियों ने सड़कों पर आकर धामी सरकार से गुहार लगाई। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्होंने सेवा की, सेवा भावना के साथ जज्बा दिखाया। कोरोना से लड़ाई जिस वक्त पूरा देश लड़ रहा था, ये हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन आज ये खुद सड़कों पर अपने लिए लड़ रहे हैं। मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारी जिन्हें सरकार ने भरोसा दिलाया था कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उनकी नौकरी जा चुकी है। राज्य में 2186 मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारी आज धामी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कोशिश करेंगे इस मंच के जरिए आज पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार इन्हें मिलेगा न्याय तो कब। आज पूछेगा उत्तराखंड एक साथ कि आखिरकार इनकी गलती क्या, आश्वासन किसने दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था? अगर दिया था तो फिर इनकी मांगे आज तक अधूरी क्यों हैं? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये हल्ला बोल, ये गुस्सा, ये नाराजगी अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों? दरअसल कोरोना काल के दौरान सरकार ने इन कर्मचारियों पर फूल बरसाए थे, मगर आज यही मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारियों को सड़कों पर लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया। जिस वक्त लोग अपने परिजनों की लाशों से दूर भाग रहे थे, तब उस वक्त इन्हीं कर्मचारियों ने सेवा भावना का जज्बा दिखाया, मगर आज ये खुद सड़कों पर हैं। सर, मांगे बस इतनी है कि जब तक हमारा नियुक्तिकरण दोबारा से किया जाए, हमारा कार्य विस्तार दोबारा किया जाए, क्योंकि जब तक कोविड में आपको जरूरत थी तब तक आपने अपना काम लिया है, उसके बाद सबको जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं वैसे आपने हमें फेंक के निकाल दिया है एकदम से। पहले आपको सोचना चाहिए था कि आगे कोविड वालों का क्या कराया जाए। दो ढाई साल से कम अपना सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे और अपने तन मन धन से, अभी तक कोई भी 26 दिन हो गए आज, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जी, कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में पूरे राज्य में, पूरे उत्तराखंड में मेडिकल सेवाएं देने वाले मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लिहाजा अब इनकी नौकरी जा चुकी है। राज्य के 2186 मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारियों को हाल ही में वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुछ दिन पहले ही आश्वस्त किया था कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, सरकार आपके साथ है, सभी को अस्पतालों में एडजस्ट किया जाएगा, हम भागेंगे नहीं। लेकिन अब तक इन्हें कोई लिखित आदेश नहीं मिला, ना कोई फरमान, ना कोई भरोसा, ना कोई आश्वासन मिला कि नौकरी मिलेगी तो मिलेगी कब। अब मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारियों में बेहद गुस्सा है, जिसको लेकर मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारियों ने सचिवालय भी कूच किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जैसा हुआ करता है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो ऐसा ही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि हम कोविड में भी तत्पर रहे हैं और आंदोलन में अपने स्वरोजगार के लिए भी ऐसे तत्पर ही रहेंगे। चाहे किसी, सर 2281 लोगों ने अपना कोविड में ज्वाइनिंग करा था, जिनमें से अभी करीब करीब 2000 से ऊपर लोग हैं जो पूरे प्रदेश में हैं। पूरे उत्तराखंड में 2200 से ज़्यादा लोगों का अभी को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कब पूरा होगा वादा। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने का वादा किया गया था, कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर प्रस्ताव आएगा भरोसा दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बकायदा ये आश्वासन खुद दिया था। बकायदा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री ने ये बड़ी घोषणा की थी। आज तक जियो जारी होने का इंतजार हो रहा है, जियो जारी ना होने से बेरोजगार हो चुके युवा सड़कों पर हैं।
यानी पहले सरकार से मिली थी शाबाशी और आज रोजगार का संकट खड़ा है। सवाल ये कि कैसे पालेंगे अपना परिवार, रोजी रोटी के संकट के बीच सरकार से लगा रहे हैं गुहार। कुछ तो करो धामी सरकार, जिन्होंने देश के लिए घर छोड़ा सरकार ने उन्हें रोड पर लाकर छोड़ दिया, क्योंकि जिन्होंने काम किया महामारी में उन्हें मत छोड़ो ऐसी लाचारी में। सुभाष गौड़, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। तो देखा आपने, आज अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए घर छोड़ा आज वो खुद सड़कों पर है, जिसने काम किया महामारी में उन्हें सरकार ने छोड़ दिया लाचारी में। लेकिन मैं सबसे पहले मुकेश जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, और बीजेपी के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मैं इसे राजनीतिक नजरिए से देख ही नहीं रहा, मैं इसे मानवता के नजरिए से देख रहा, सामाजिक नजरिए से। आप लोगों ने जो किया उसे पूरा उत्तराखंड सलाम करता है। आप लोगों को सड़कों पर देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने कहा यह मुद्दा बहुत जरूरी है, सरकार को एक उत्तर तो देना ही पड़ेगा कि आपने अगर आश्वासन दिया तो इनकी मांगे कब पूरी होंगी। तो मैं आपसे मुकेश जी यह जानना चाहता हूं कि ये जब समस्या खड़ी हुई थी तब सरकार की तरफ से क्या रुख था, और यह आश्वासन आप लोगों को कब दिया गया था, और आप लोगों का स्टैंड क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और मेरा नाम मुकेश है, और मैंने 1.5 साल कोविड आईसीयू में काम किया है। जी 1.5 साल जी। तो अब यूं लगा दीजिए कि 1.5 साल कोविड आईसीयू में लगातार काम करना कितनी बड़ी बात है, और अपने सामने हमने कई मौतें देखी है। अब आपने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि इसको किसी राजनीति पार्टी से, किसी राजनीति दल से, राजनीति दृष्टि से जोड़ना गलत बात होगी। अब हम जब अपनी मांगों को लेकर के सबसे पहले धरने पे बैठे थे 26 तारीख से पिछले महीने, और तब उसके ठीक 3-4 दिन बाद हमें जो है कि जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनसे आश्वासन मिलता है कि जो है कि आप लोगों को जो है कि विभागीय संविधा में या फिर विभाग में समायोजित करने के लिए जो है कि मैं कैबिनेट में बात उठाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कैबिनेट में बात उठा, 1 महीने से हम लोग वहां पे कोई भी हमारा हालचाल पूछने नहीं आया। इसका मतलब ये चीज शो करती है कि आपको, हम कोरोना वॉरियर जो भी कोरोना योद्धा है जिन्होंने जान की बाजी लगाई, उनके लिए आपको कोई मतलब कोई पड़ी कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। और क्या आपकी ये आ गई है कि हमें सचिवालय कुछ आने, क्या स्वास्थ्य मंत्री से उसके बाद बातचीत हुई आपकी? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि भाई मैं कैबिनेट में आप लोगों का प्रस्ताव लेकर आऊंगा, उस पर हम अमल करेंगे, और उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। तो क्या आपने पूछा विभाग से कि भाई क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं हुआ? सर उसके बाद जो जब भी हम जाए तो हमें यही जवाब मिलता है कि बस हम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये, आप कर रहे हैं तो कब करोगे, है ना? अगर एक कैबिनेट के हिसाब से, अगर हाँ मैं मानता हूं कि आपका कहना सही है कि कैबिनेट में बात लानी है और ये सब चीज करना है, एक प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल है। अगर प्रोटोकॉल है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं जानता हूँ सिस्टम क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब ये नेता मंत्री खड़े होकर, वो किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी जगह से हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, अमर जी जानते हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले मुझसे हूँ। जब इनको कहना होता है कि हमने पहली कैबिनेट में इतने लोगों को रोजगार दे देंगे, कितने, 10 लाख लोगों को, ऐसा ऐसा ऐलान किया है हमारे राजनीतिक दलों ने, ऐसा ऐसा ऐलान किया है कि तुम मुझे सत्ता दे दो मैं एक दिन में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा एक साइन में, है ना? तो इनके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनको सब मालूम है कितने आप लोगों की संख्या है, आप लोगों की क्वालिटी क्या है, आप लोगों की काबिलियत क्या है, किस पैमाने पर और कहां कहां फिट होंगे, है ना? इन्होंने पूछ भी लिया होगा सब अधिकारियों से कि कितने अस्पताल में कौन कौन को शिफ्ट किया जा सकता है। जो है कि जितने भी सीएमओ की बैठक बुलाई गई, मेडिकल कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल है सबको लेटर जारी किए गए कि भाई आप लोगों के पास IPHS एक मानक होता है सर, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इसके अनुसार ही ऑल ओवर इंडिया में जनसंख्या होती है, उसके हिसाब से वहां पे हेल्थ फैसिलिटी रखी जाती है। अब उन हॉस्पिटलों में उन पॉपुलेशन के हिसाब से कितने डॉक्टर, कितने स्टाफ नर्स, कितने लैब टेक्नीशियन, कितने वार्ड बॉय, पूरी जो है टीम होती है, कितने कितने रखने उसके हिसाब से होते हैं। इन्होंने इसी का ब्यौरा मांगा, स्वास्थ्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने विभाग से मांगा। आज कितने दिन हो गए, आज 27-28 दिन हो गए, और आप अपने विभाग से एक मामूली सी लिस्ट ही तो, रिक्त पद ही तो मांगने आपको, आपको केवल रिक्त पद मांगने इस स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आज तक आपके पास वो लिस्ट नहीं आई, बड़ी ताजुब की बात है। जी, मेरा कार्यक्रम का मकसद राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। इस विषय पर मैं चाहता हूं कि राजनीतिक नजरिए से इसे देखना भी नहीं चाहिए,
लेकिन आप लोग देखें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग देखें, क्योंकि क्या पता आप लोगों के राजनीतिक नजरिए से देखने से कुछ लोगों का भला हो जाए। नहीं तो अमरजीत जी, चुनाव खत्म हुए, सरकार किसकी बननी थी जनता ने तय कर दिया, आपको जनता ने विपक्ष में मौका दिया कि भैया आप विपक्ष में बैठिए, लेकिन विपक्ष का कर्तव्य होता है अगर जहां अन्याय दिखे, जहां समस्या दिखे, वहां पर खड़े हो जाओ, वरना फिर सत्ता बेलगाम हो जाती है। तो इनके लिए क्या सोचा आप लोगों ने, सोचा नहीं क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं? देखिए जी, तिलक जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनका जो इनके साथ हो रहा है वो केवल एक राजनीतिक नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, एक मानवता के नजर से भी देखा जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया इन लोगों के लिए, आपने कहा मैं सलाम करता हूं, और मैं दिल से कह रहा हूं साहब कि मैं राजनीतिक पक्ष की तरफ से नहीं, मैं पक्का कहता हूं और दिल से कहता हूं कि इन लोगों ने वाकई जो काम किया उसको सलाम है। आपने वो बात बोली थी राजनीतिक पार्टी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब हमने सेवा दी तो वहां ना हमने कोई बीजेपी का कार्यकर्ता देखा ना कांग्रेस का कार्य, हमने एक मनोभाव जो हमारा प्रोफेशन कहता है, हमने सबके लिए इक्वल करके सर्विस दी है। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यवीर चौहान जी, ये जो मसला है वाकई में गंभीर है, मैं इसे राजनीतिक चश्मे से देख ही नहीं रहा, मैं इसको मानवता के नजरिए से देख रहा हूं। सरकार ने इनके लिए किया क्या, क्या करने जा रही है, जो वादा आपने किया था वो पूरा क्यों नहीं किया? मंत्री जी कह रहा हूं, जिस प्रकार से उन्होंने सेवा दी है उसका पूरा उत्तराखंड सम्मान करता है, और आने वाले समय मंत्री जी इस विषय में लगातार बातचीत करे हुए हैं, आने वाले समय में आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले इनसे वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लेकर आएंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय जो फैसला, जो वक्तव्य दिया था उसका उन्होंने फैसला लिया है कॉमन सिविल कोर्ट पे। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं, कॉमन सिविल कोर्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी तो आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे सर। मैं कह रहा हूं कि क्या आपने इनसे वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम प्रस्ताव लेकर आएंगे, यस और नो, दैट्स इट? इस प्रकार का मेरे संज्ञान में तो कोई वक्तव्य है नहीं। अच्छा, इनसे कोई वादा नहीं किया इस प्रकार का मुझे, अगर इस तरीके का है, हम इस तरीके को ध्यान, मैं आपको कितना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो संघर्ष है उस संघर्ष को जल्द से जल्द हल करें, इसका हम कोई ना कोई मुख्यमंत्री कैसे यकीन कर लें। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं सत्यवीर जी, ये बात तो मैं सुनता हुआ आया हूं, ये भी सुनते हुए आए, सब सुनते हुए आए, कैसे यकीन कर लें आप बताइए, इस तारीख पर हो जाएगा बात खत्म, दैट्स इट। 7 अप्रैल 2022 यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने यह ऐलान किया था, और वो भी जगह थी सुभाष रोड, एक होटल था और होटल में उन्होंने ऐलान किया था कार्यक्रम के दौरान, 31 मार्च को इनका अनुबंध खत्म होने वाला था, नौकरी से हटाया गया, उससे पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि दिक्कत मत करो सरकार आपके साथ है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, क्या यह बोला गया था कि हम कैबिनेट की पहली बैठक में यह प्रस्ताव लेकर आएंगे, यस और नो? आज भी इनके साथ है, इनकी दिक्कत सर मैं कैसे मान लूं, जो उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, सड़कों पर हैं बच्चे, आप सुन नहीं रहे, उनको वोट की तरह इस्तेमाल किया आपने, इनके हित में भी होगा, आपने उन्हें वोट की तरह इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो, अच्छी सेवा दी है। हाँ तो सर, सेवा का इनाम, पहले कोई ना कोई हल निकाला, ये इनाम मिल रहा है इनको सेवा का, पहले इनाम और फिर अब फरमान, आपने फरमान जारी कर दिया, नौकरी से सबको निकाल दिया, आज सड़कों पर है, कोई इनकी सुनने की तैयार नहीं है। सर एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, एक और उदाहरण देता हूं, मेडिकल कॉलेजों के प्रचारे और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से एक हफ्ते के भीतर विवरण मांगा गया था, किस बात का, कि पता करो कहां कहां रिक्तियां हैं, पता करो, इनको कर देंगे, एक हफ्ता तो पता नहीं कब का बीत गया, क्या हुआ उसमें, जवाब दीजिए सत्यवीर जी, यही तो नियत पर शक करा कर आपकी, मंत्री जी को वोट मिल गया, मंत्री जी बन गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो क्या हुआ, मंत्री बन गए, है ना, तो इनकी कम से कम सुन तो ले लो सर। देखो हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं, ये उत्तराखंड के हित के है कि भाई इस प्रकार के नौजवान अगर उत्तराखंड की सेवा करेंगे तो उत्तराखंड का विकास ही नहीं होगा, आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक उत्तराखंड, जिन्हें भगवान बोला आज बेरोजगार है वो, मंत्री जी जिन्हें आपने भगवान बोला वो बेरोजगार है, जिन्हें आपने भगवान बोला वो बेरोजगार है आज सड़कों पर। आपसे मैं बार बार पुनः कह रहा हूं, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, मैं पुनः
मैं पुनः एक बार कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार का संघर्ष है, हम भी नहीं चाहते कि इस प्रकार का संघर्ष निरंतर बना रहे। ये संघर्ष जितना जल्दी खत्म होगा इनके हित में भी आए। एक काम करिए, सरकार के भी, उत्तराखंड राज्य के, एक काम कर दीजिए, एक काम कर दीजिए, आपके यहाँ इतने बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, है ना, उनसे कहिए कि हमारे तो दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, करके दिखाएंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, उनसे कहिए एक महीने की तनख्वाह इन सबके नाम कर दें। क्या एक महीने की तनख्वाह इन सबके नाम कर दें? उत्तर मिल जाएगा आपको। देखो हम एक महीने, सुनिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक महीने की तनख्वाह नहीं, इनको एक विकल्प जो इनके लिए अच्छा विकल्प होगा वो तलाश रहे हैं। तो कौन सा विकल्प, जब चुनाव के पहले तो आपको सब विकल्प दिखाई दे रहे थे। ओके मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी अपनी बात सुन लीजिए सर, उन्हीं की सुन लीजिए जिनको आप भगवान बोल रहे थे, सुन लीजिए। मुकेश जी सुना आपने, वो कह रहे हो जाएगा, कर देंगे, इंतजार करो, हो जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे, भले ही 5 साल के बाद होगा लेकिन होगा जरूर। चाह रहा हूं सर, आज से जब सबसे पहले कोविड आया था तो हमारे ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर फूलों की वर्षा की गई, ठीक। उस फूलों की वर्षा के ठीक 7-8 महीने गुजरे, 11 महीने हुआ और सेकेंड वेव शुरू होने से ठीक पहले हमको ऐसे ही निकाला गया। और उसी दून हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग के सामने कुछ बच्चे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, कुछ बच्चे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, अलग अलग जगह बच्चों ने यही ऐसा ही धरना दिया। और ये इलेक्शन से पहले की बात है सर, ये इलेक्शन से पहले की बात है, और तब भी हमें यही कहा गया, लेकिन हमको वापस वही ठेकेदारी प्रथा में झोंक दिया गया। जब सेकेंड वेव आई हमको वापस उपनल, PRD, जेट सिक्योरिटी और TMN कंपनियां, पता नहीं क्या क्या कंपनियां हैं सर उनके। मेरे अब वो कह तो रहे कर देंगे, 5 साल बाद भी कर सकते हैं, टेंशन मत लो। इतना मुझे बताओ आप, ये जो बात सामने आई थी मुकेश जी कि भैया मेडिकल कॉलेजों के प्रचारों को बोला गया था, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनको बोला गया था कि एक हफ्ते में रिपोर्ट दे दो हमें, कहां कहां पर कहां कहां पद खाली है, वो रिपोर्ट सामने आई, कुछ जानकारी है आपके पास? तक नहीं आई सर, मैं खुद उस रिपोर्ट के ऊपर, मुझे लगा कि थोड़ा शंका है, मुझे भी शंका है, तो मैंने खुद RTI राइट टू इंफॉर्मेशन मारा है, और आज उसको लगभग 22-25 दिन हो गए उस RTI को, उसका भी जवाब नहीं आया। चलो उसका एक महीने का टाइम होता है, चलो रुक जाते हैं, लेकिन आपके विभाग के मंत्री खुद मंत्री है और उनका ऑर्डर हुआ है और इतने ढीले पड़े हैं सारे अधिकारी कि आप उस रिपोर्ट को दे नहीं पा रहे हैं अपने मंत्री जी को, कितनी बड़ी बात है। आपके ऊपर है वो, कैबिनेट मंत्री है वो, और आप विभाग उनके इशारों से चलता है और उनको रिपोर्ट नहीं थी उनके पास। मेरे को पता सत्यवीर जी, अमरजीत जी क्या हैरानी होती है, देखिए मंत्री, मुख्यमंत्री बनना सौभाग्य की बात है ना, जो मंत्री बनता है उसकी तमन्ना होती है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, कोशिश प्रयास हर कोई करता है ना। और इस उत्तराखंड का दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए, कि स्वास्थ्य मंत्री के लिहाज से जिसे भी मंत्रालय मिला उसका परफॉर्मेंस देख लेंगे तो अपना आकलन खुद आईने में देख लेंगे, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कितना स्वास्थ्य का उद्धार किया उत्तराखंड में वो सबको मालूम है ना, देहरादून तक बीमार अस्पताल बन गया। मैं ये कह रहा हूं सत्यवीर जी कि एक टाइम तो हो सकता है ना, टाइम पीरियड मतलब ये हम तय कर सकते हैं कि आज भैया कितनी तारीख है, आज है 23 अप्रैल, कि भैया आप टेंशन मत लो, अगली 23 तक हम कर देंगे, ये पक्का, ये लिखित में ले लो हमसे, हम अगली 23 तक पक्का कर देंगे। या फिर आज हुआ 2023-22, हम 2027 तक कर देंगे, कुछ एक लिखित आश्वासन तो दे सकते हो आप कि इतनी तारीख तक हम कर देंगे, बात झंझट खत्म, है कब तक सड़कों पर दौड़ लगाएंगे। सत्यवीर जी मैं पुनः आपको दोहराना चाहता हूं, ये संघर्ष ना उत्तराखंड के हित में है, ना इनके हित में है, ना सरकार के हित में है, जितना जल्दी ये संघर्ष खत्म हो इनके लिए एक अच्छा विकल्प निकाला जाएगा सरकार की तरफ से और विभागीय मंत्री तरफ से। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, एक मैं अभी जब फोर्टीज हॉस्पिटल का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था मैं खुद खड़ा हुआ, तो सर मैं यही चाह रहा हूँ ना, इनके लिए भी खड़े हो जाओ, अच्छी बात है, मैं चाहूंगा आपसे, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि एक टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना, जैसे आपके चुनावी आचार संहिता में चुनाव के लिए तारीख निर्धारित हो जाती है, इतनी तारीख को वोट डाले जाएंगे, इतनी तारीख को नतीजे आ जाएंगे, क्या 10 मार्च को है, लेकिन आपके लिए सब कुछ निर्धारित है, आपके लिए टाइम टेबल निर्धारित है, सचिवालय में सचिव जी की तनख्वाह भी निर्धारित है ना, कैबिनेट मंत्री जी की चाय पानी का खर्चा सब कुछ निर्धारित है, तो इनके लिए भी कुछ निर्धारित कर दो, इतनी तारीख को आपको नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी हम बता देंगे आपको, मैं आपको कह रहा हूँ मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, आप हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकते हो, कोई भी आप आक्षेप लगा सकते हो, सरकार में हमें, हमारा दायित्व है
हमारा नहीं 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 सत्ता की गोद में बैठकर थोड़ा ना बैठ जाऊंगा। हमारा दायित्व है सत्ता की गोद में नहीं बैठता मैं। जो सत्ता की गोद में बैठते हैं उनको कहिए जिन्हें गोदी मीडिया बोला जाता है, मैं सत्ता की गोद में नहीं बैठता। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यह सुन लो, मेरी मेरी बात सुनिए पहले आप। मैं कह रहा हूँ कि हाँ आरोप हमारे ऊपर लगेंगे क्योंकि हम सरकार में, और हमारा दायित्व बनता है कि अगर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है उसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए और उत्तराखंड के हित के लिए सबको आगे एक साथ बढ़ना चाहिए। सर जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। एक छोटा सा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ जल्द ही आपके जल्द ही आएगा इस बारे में, और वो समय भी जल्द ही आने वाला है। सर आप, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर, आप प्लीज मुकेश जी, फिर फाइनल कमेंट अमरजीत जी आपके पास। बोलिए मुकेश जी, बोलिए मुकेश जी। आप पे हम आरोप नहीं लगा रहे सर। मुकेश जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ जिस प्रकार आप लोगों ने हमको सरकार में बिठाया, और आपके साथ जिस अभी जो संघर्ष हो रहा है उसको जितना जल्दी हल होगा बिल्कुल भी होगा, हमारे हित में भी होगा। मैंने कोई गलत बात कही इनसे? मैंने कहा कि भैया अगर 5 साल बात करना तब भी बता दो इनको कि भैया 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब हम आपको कर देंगे कि नहीं, या फिर आगे 1 महीने बाद करना तो 1 महीने बाद बता दो, तारीख तो बता दो भैया। मैं यही तो कह रहा हूं कि तारीख बता दो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको बन गए का सपना आया था है ना, अब वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए, तो कम से कम यहीं से उद्धार कर दो ना, यहीं से उद्धार कर दो। क्या पता किसी की दुआएं लग जाए है, यहां तो कभी पल भर में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सपना तो उनका भी है, तो यहां से उद्धार कर दो कि गलत बोल रहा हूं मैं। तिलक जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसे आपने कहा कोई एक दिन तो दे दो, वो बेचारे कब तक सड़कों में बैठे रहेंगे, कब तक आंदोलन करते रहेंगे, उनको एक दिन मुकर्रर कर दो, 1 महीने का कर दो, 1 साल का कर दो, 5 साल कर दो, ताकि उनको आगे करना क्या अपने जीवन काल में उसकी तो चिंता कर ले बच्चे। लेकिन समस्या क्या है, आप अगर देखो आपने आपने जब आपने शुरू किया कार्यक्रम आपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि कोई सरकार 7 लाख कहती है, कोई 10 लाख का रोजगार कहती है, हमने दिया। और ये याद करिए कि जब धामी जी से मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने ये कहा कि 22,000 लोगों को मैं रोजगार दूंगा मात्र 6 महीने कार्यकाल में, वो कितनों को दिया उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। अब जो ये थे अब ये समझ लीजिए, और चिंताजनक स्थिति आने वाली ये है तिलक जी, अगर हम अभी हम चर्चा नहीं करी इस पर, वो चर्चा ये है कि पूरे देश में चौथी लहर आने को तैयार खड़ी है, दरवाजा खटखटा रही है। मैं नहीं जानता आने वाला समय कैसा हो सकता है, ईश्वर करे सब कुछ सुखद रहे, लेकिन अगर इस प्रकार से यही हालात बन गए तो आप फिर किस मुकेश को ढूंढ के लाएंगे, कहां से लाएंगे ऐसे कर्मचारी जो हमारी मदद करेंगे, कौन आएगा आपकी मदद करने के लिए, क्या हाल होगा हमारे देश का। लेकिन चिंता ना सरकार को है, ना चिंता सरकार को है, ना सतबीर जी को है। इनसे आपने रोजगार की बात पूछी, आपने बच्चों का भविष्य पूछा, सुन लीजिए, और उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया कि साहब हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं। आप देखिए, आप इनसे रोजगार मांगोगे ये आपको सिविल कोड दिखाएंगे, कल आप इनके महंगाई की बात करोगे तो ये आपको जो है यहाँ सत्यापन और वेरिफिकेशन की बात करेंगे, गैर हिंदू की बात करेंगे। समस्या सारी यही है कि ये केवल और केवल यूज एंड थ्रो, जो मैंने पहले भी कहा आपने भी उसका जिक्र किया, ये सरकार यूज एंड थ्रो करना जानती है, ये जनता के साथ चलने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूँ इन बच्चों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी तरह के साथ है, सड़क से लेकर सदन तक हम आश्वासन देते हैं, हम इनके साथ हैं बच्चों के साथ। चलिए चलिए अमरजीत जी, मैं तो उन बेरोजगारों के साथ हूँ जो सड़कों पर है, ठीक, जो ट्वीट ट्वीट खेल, हाँ ट्वीट ट्वीट वालों के साथ नहीं हूँ मैं। एक सेकंड सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सत्यवीर जी जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल भी आपके आपने दो बार मेरे से प्रश्न किया और मैंने एक बार भी राजनीतिक पे बात नहीं करी जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने करी, ना मैं इनके जवाब देना चाहता हूँ राजनीतिक। सर आपने तो पहला जवाब ही सिविल कोड कहा, आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने इनसे आपसे रोजगार की बात की, आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी थोड़ी देर में आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खोल देते। मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था मगर मैं बोल ही देता हूं, अभी आपने कल के अखबारों में ही देखा होगा जिस प्रकार से नोटिफिकेशन निकला है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा शेड्यूल निकाला है कब कब भर्तियां होनी है, और जिस प्रकार से ये संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष का मैं आपको फिर दोबारा तीसरी बार बोल रहा हूँ, ये संघर्ष ना उत्तराखंड के हित में है, ना इन छात्रों के हित में है, ना यहाँ के सरकार के हित में है, और जितना जल्दी इस संघर्ष का हल निकलेगा इनके लिए विकास होता जाएगा। अगर आप चाहते हो आपके हित में, अगर आपके हित में होगा, अगर आप चाहते हो तो मैं सच बोल ही देता हूँ है ना। इस उत्तराखंड के अंदर इतिहास उठा के देख लो, तिवारी जी की सरकार से लेकर अगर नित्यानंद स्वामी जी की सरकार से ही देखना है तो देख लो, लेकिन मैं तिवारी जी से इसलिए क्योंकि वो चुनी हुई सरकार थी है, मैं इसलिए ये बात बोलता हूँ। तिवारी जी के शासनकाल से देख लो और फिर आ जाओ आप चाहे निशंक जी के शासनकाल में, खंडूरी जी के शासनकाल में,
या फिर आ जाओ आप विजय बोगड़ा जी के शासनकाल में और हरीश रावत जी के शासनकाल में, या फिर आ जाओ त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और धामी जी के शासनकाल में, कितने डॉक्टर पहाड़ चढ़ गए, चढ़ गए, क्यों नहीं चढ़े कभी सोचा आप लोगों ने? इसी वजह से नहीं चढ़े क्योंकि आप लोगों की नीति और नियत सही नहीं थी। जो मुकेश जैसे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो जो युवा बैठे हुए हैं, ये भरोसा ही नहीं करते आपके ऊपर, इन्हीं वजह से। बताना चाहूंगा, अल्मोड़ा विधानसभा भी और श्रीनगर विधानसभा भी पहाड़ में पड़ती है, जहां आज मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और वहां के जो छात्र जो पास होंगे, पास आउट होंगे, उनके साथ अनुबंध किया गया है, जितने भी एक ऐसा अनुबंध, सुनिए मेरी बात, जिस अनुबंध की आप बात कर रहे हैं, सुनिए, बतौर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए निशंक जी ने भी एक अनुबंध बनाया था। आप मेरी बात सुन लीजिए, तो मैं इनको तारीख बता दो भैया, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूं, इनको तारीख बता दो, बात खत्म, तारीख बता दो। आप पहले जो आपका पहले का प्रश्न है उसका पूरा कर लेता हूं, फिर इनको भी मैं जो हल दे रहा हूं सुबह, अभी आपका, अभी आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे चले जाओगे। जो अनुबंध हुआ है वो अनुबंध इस आधार पे हुआ है कि उनको जाना ही पड़ेगा, दुर्गम क्षेत्रों में जाके सेवा देनी पड़ेगी। सत्यवीर जी, पहले भी ऐसे अनुबंध हुए हैं, पहले भी ऐसे अनुबंध हुए हैं कि 3 साल आपको प्रैक्टिस करनी होगी पहाड़ में। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे इतना बता दो इनकी इनकी समस्या कब तक हल हो जाएगी, होगी तो बता दो, नहीं होगी तो खामा खा सड़कों पर ना उतरे। निरंतर सरकार इस विषय में संपर्क में है, हाँ, आने वाले समय, आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुकेश जी, ना उत्तराखंड के हित में है, ना यहाँ के छात्र जो ये संघर्ष रहते हैं ना उनके हित में है, और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा, वो हमारे हित में भी होगा। अभी उत्तर देता हूँ, यहाँ के अभी उत्तर हित में भी होगा। मुकेश जी कह रहे सर, आप सही कह रहे सर, आप ये सबके हित में होगा। मुकेश जी मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग टोटल कितने हो? 2186 है सर पूरे प्रदेश में। 2186 नहीं हो आप, पता है आपको, आप 2186 नहीं हो, आप 2186 परिवार हो, 2186 परिवार हो, मैं परिवार मानता हूं, परिवार, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो परिवार के सदस्य हैं, है ना मर्जी जी? तो ये आपके 2100 परिवारों के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया खड़ा है, ये राजनीति करेंगे। मैं आपको इस मंच से यह वादा करता हूं, जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, आप जब चाहेंगे इस कार्यक्रम को हम यहां पर चलाएंगे और जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे, तब तक पूछेंगे, आपकी आवाज हम बनेंगे इस मंच से, यह मेरा वादा है आपसे, है ना? मैं जानता हूं रोजगार को लेकर सवाल नहीं पूछे जाते, चुनाव से पहले भी अमरजीत जी बैठे हुए, आप पहली प्राथमिकता, मैंने कहा इस देश के इस राज्य के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार मुद्दा, रोजगार मुद्दा, रोजगार मुद्दा, रोजगार मुद्दा, उस मुद्दे पर आज भी अड़िग है। मैंने तब भी जब मुख्यमंत्री जी सामने बैठे थे, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था अमरजीत जी, वो इंटरव्यू देखा होगा आपने, रोजगार के विषय भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सुबोध उनियाल जी ने प्रेस वार्ता करी थी और पूरे आंकड़े दिए थे। आप इतना भी झूठ मत बोलिए। एक सेकंड सत्यवीर जी झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, मैं प्रूफ दे दूं, अगर आप चाहे तो मैं प्रूफ दे दूं आपको, मैं आपको प्रूफ दे दूं, मैंने आपके, सुनिए मेरी बात, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं सबूत के साथ, हाँ सबूत के साथ, माननीय सुबोध उनियाल जी, माननीय सुबोध उनियाल, आप सुन लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए, आपने आरोप लगा दिया, सुन तो लीजिए आप, माननीय सुबोध उनियाल जी, माननीय पूर्व तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन और मौजूदा पुष्कर सिंह धामी जी, इन तीनों से मैंने एक ही गुजारिश की थी, मैंने कहा कि आप विभाग अनुसार, नंबर अनुसार, नाम अनुसार एक सूची जारी करिए, एक सूची जारी करिए। देखो सर, देखो, मैं रुकिए, मेरा सुन लीजिए, आप गलत जा रहे हो, मैं आपको टोकना पड़ेगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा, सुबोध उनियाल जी विभागवार रखे थे, सारी मीडिया वहां पे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में थी, वो निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक जी ने रखा था, ये इस प्रकार के भ्रामक नहीं रखने चाहिए। मैं जरूर कहूंगा कि जो स्थिति अभी खड़ी हुई है, नाराज क्यों हो रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं, हल निकलना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने की आंकड़े नहीं रखे, विभागीय वार आंकड़े रखे गए थे, तब कल रखूं, चर्चा में कब आना चाहते हो बताओ आप, कब रखूं?
आप जब बोलिए, आप जब बोलिए, मैं तो तीन महीने से मुहिम खेले हुए हूँ, विभाग अनुसार नंबर अनुसार ले आइए, रैपिडली चेक कर लेंगे, यहीं पे बैठ के करूंगा, फोन नंबर मिलाऊंगा, जब बोलिए तब, उस दिन का ये तारीख आपकी, जगह आपकी, वक्त आपका मुकर्रर करिए, बोलिए मैं देहरादून आता हूँ, बोलिए आप, मैं आता हूँ देहरादून, बोलिए आपने मंत्रियों को मैं आता हूँ, मेरे को मत सिखाओ आप, बोलिए मैं कब आऊँ, बोलिए कल आऊँ, परसों आऊँ आपके देहरादून में आके आऊँ, परसों आऊँ, आप देंगे आंकड़े मुझे, परसों आऊँ आपके जो उस दिन प्रेस वार्ता में थे उनसे ले लीजिए, ठीक है, प्रेस वार्ता में, मैं वही कह रहा हूँ सर, यही तो हकीकत है, अगर आपको चाहिए तो मैं सबूत के साथ भिजवा दूंगा आपको, आप मुझे भिजवा दीजिएगा, चर्चा कर लीजिए, उसे नहीं बोले गए थे, उसकी प्रतिलिपि भी देगी, दी गई सभी मीडिया, ठीक, थैंक यू सर, तभी तो उनको सिखाइए सर, जिनको मालूम ना हो कि 875,000 रजिस्टर बेरोजगार है वहां पर लाइन में खड़े हुए, ठीक है ना, उनको समझाइए, मुझे मत समझाइए, एक सेकेंड मुकेश जी, ये मैंने आपके सामने, प्रण जो सत्ता की गोद में खेलते हैं उनको दिक्कत होती होगी सवाल पूछने में, हमें नहीं होती, आप लोगों के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया का परिवार खड़ा है, सत्यवीर जी वोट मिल गए मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे, आप छोड़ नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, लेकिन इनको भी रोजगार दीजिए, इसको प्राथमिकता में रखिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यवीर जी, आपका भी अमरजीत जी, आपका भी, और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत गंभीर विषय है, इस पर विचार नहीं बल्कि अमल होना चाहिए, कब कैसे क्या होगा इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।